दोस्तों कैमरा तो सभी के फोन में होता है, लेकिन अगर कैमरे की सेटिंग के बारे में आपको पता नहीं होगी तो आपके फोन का कैमरा कितना भी अच्छा होगा ना, आप अच्छी फोटोज ही नहीं ले पाओगे। आज दोस्तों मैं आपको इसी कैमरे की 3 ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अपने फोन के कैमरे में इनेबल कर देते हो ना तो भाई कतई DSLR फेल हो जाने वाला है, इतनी कमाल की आपके फोन के कैमरे से फोटो आएगी। चाहे कितने भी मेगापिक्सल का आपका कैमरा हो या फिर किसी भी ब्रांड का आपका फोन हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी फोन के कैमरे में दोस्तों आपको ये तीनों सेटिंग मिल जाएंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको कैमरे की तीनों इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बता देता हूं जिसे अगर आप अपने फोन के कैमरा में ऑन कर लेते हो तो आपके फोन का ये साधारण दिखने वाला कैमरा एकदम DSLR जैसी फोटोज लेने लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेना है। कैमरा ऑन करने के बाद दोस्तों ऊपर आपको कॉर्नर में 3 लाइन या फिर 3 डॉट दिखेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों सेटिंग ऑन हो जाएगी, आपको डायरेक्टली कैमरे का जो सेटिंग होता है उसे ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये है दोस्तों आपके फोन का कैमरा का सेटिंग। अब यहां पे आपको बहुत सेटिंग दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेटिंग है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे जो हमारी पहली सेटिंग है ना, वो यहां पे आप देख सकते हो, करेक्ट डिस्टॉर्शन इन अल्ट्रा वाइड शॉट्स। अगर दोस्तों आप अपने फोन के कैमरे से अल्ट्रा वाइड फोटोज लेते हो तो कई बार होता है ना, फेस किसी का ब्लर कर देता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट का जो चीज है जो आप दिखाना चाहते हो वो ब्लर हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा पिक्चर की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती। लेकिन अगर दोस्तों आप ये जो सेटिंग दिया गया है करेक्ट डिस्टॉर्शन इन अल्ट्रा वाइड शॉट्स, इसे अगर आप ऑन कर देते हो तो जो भी फोटोज लोगे ना गाइस वो ऑटोमेटिकली दोस्तों एडजस्ट कर देगा। आप यहां पे देख सकते हो लिखा हुआ है, जो भी डिस्टॉर्शन रहेगा ना ऑटोमेटिकली ये उसे क्लियर कर देगा, मतलब कि पूरा का पूरा एकदम क्लियर फोटो आएगी जब भी आप कोई अल्ट्रा वाइड शॉट्स लोगे। तो ये अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर आप अपने फोन के कैमरा की सेटिंग में ऑन कर लो। अगर ऑन करके रखोगे इन फोटोज की क्वालिटी देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो ये है दोस्तों पहले नंबर की सेटिंग। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की सेटिंग की, तो उसके नीचे ही आपको देखने को मिल जाता है, यहां पे आप देख सकते हो करेक्ट फेस डिस्टॉर्शन ऑन ग्रुप फोटोज। अक्सर दोस्तों हम ग्रुप में सेल्फी लेते हैं, ग्रुप में फोटोज लेते हैं, कई बार होता है ना किसी का फेस ब्लर हो जाता है, किसी का मुंह टेढ़ा आ जाता है, किसी की आंख बंद हो जाती है, मतलब कि ये सारी की सारी जो दिक्कतें होती है ना दोस्तों वो इसी सेटिंग से होती है। अगर ये सेटिंग बंद रहेगा तो आपके फोन की जो ग्रुप फोटोज है ना वो कभी भी अच्छी नहीं आएंगी, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, इस सेटिंग को ऑन कर देना है। ये सेटिंग जैसे ही ऑन हो जाती है, जब भी आप ग्रुप फोटोज लोगे ना, जैसे ही मतलब कि किसी की आंख बंद हो जाएगी, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाएगा या फिर कोई इधर उधर देखेगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये उसे एडजस्ट कर देगा, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग दिया गया रहता है ग्रुप फोटोज के लिए, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। तो इस सेटिंग को जरूर से जरूर ऑन कर लो अगर आप ग्रुप में बहुत ज्यादा फोटोज लेना पसंद करते हो। तो यहां पे दोस्तों बात हो गई 2 सेटिंग की। अब बात करते हैं तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग का, उसके लिए आपको नीचे आना है, जो कि यहां पे आपको देखने को मिल जाता है फोकस एंड शूट। आप यहां पे देख लीजिए, ये सेटिंग दोस्तों बाय डिफॉल्ट सभी फोन के कैमरा में बंद होती है, इसे आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने का फायदा यह होगा दोस्तों, जब भी आप कोई फोटो लोगे ना तो ऐसे में सबसे पहले आपके फोन का जो कैमरा है वो फोकस करेगा, उसके बाद शूट करेगा। तो इससे फायदा यह होगा कि जो फोटोज है वो दोस्तों ब्लर नहीं आएगा, नहीं तो आपको रीटेक करना पड़ता है बार बार, मतलब कि एक बार फोटो लोगे ब्लर आ जाता है, फिर से आप फोटोज को लेना पड़ता है। तो ये चीज दोस्तों आपको नहीं होगी, एक ही बार में आपके फोन का जो कैमरा है ना वो फोकस कर लेगा एंड फिर शूट करेगा। तो ये 3 सेटिंग दोस्तों मैंने आपको बताई है, अगर आप ये तीनों सेटिंग अपने फोन के कैमरा के अंदर ऑन कर लेते हो ना तो जो फोटोज की क्वालिटी है वो इतनी बेहतरीन आएगी कि आप देख कर चौंक जाओगे। एंड हाँ, ये जो पिक्चर क्वालिटी है दोस्तों इसे आप हमेशा हाई पे रखना, अगर आप चाहते हो ना अच्छी फोटोज आए तो ये हमेशा हाई पे रखा करो, ठीक है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एडवांस सेटिंग बता दी है जिसे आपको अपने फोन के कैमरे के अंदर कर लेना है। तो बस इतनी सेटिंग कर लो दोस्तों, उसके बाद आप खुद देख लेना अपने फोन के कैमरे से फोटोज लेके कितनी बेहतरीन आ रही है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये कैमरे की तीनों सेटिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।